हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जाफराबाद के इतिहास की शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जाफराबाद कहाँ पे आया है। सबसे पहले हम देखेंगे उसका लोकेशन, तो हम लोकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पर आया है। ये जो आप रेड कलर के बॉर्डर देख रहे हैं, असल में वो जाफराबाद का वो नक्शा है और बीच में लिखा है अल्ट्राटेक टाउनशिप। जाफराबाद भारत के गुजरात राज्य के अमरेली जिले का एक कस्बा और नगर पालिका है। ये जो आप देख रहे हैं वो जाफराबाद स्टेट कहाँ लिख के भी आ गया है। ये नक्शा भी पूरी तरह देख सकते हैं और इसके पास समंदर किनारा भी है। तो असल में हम जानते हैं सबसे पहले उसकी जनसंख्या के बारे में, जो 2011 में जनसंख्या टोटल कितनी थी। तो 2011 में जनसंख्या 27,000 के आसपास थी टोटल, और पुरुषों की बात करें तो 13,700 और महिला की बात करें तो 13,400, और 2001 में 25,000 के आसपास थी। अब हम बात कर रहे हैं घूमने का स्थान, जाफराबाद में घूमने का स्थान कौन कौन सा है और ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यह ब्रह्म समाज की वाड़ी के पास वावशेरी में जो 100 साल पुराना सुखनाथ का मंदिर है वो जाफराबाद में आया है। उसके बाद बारा स्वरूप में जो 1200 साल पुराना मंदिर है जो जाफराबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र तट पे आया है। और एक ब्यूटीफुल प्लेस है बीच वाला, जो सरकेश्वर महादेव का मंदिर है जो समुंदर के तट पे आया है, वढेरा गांव के नज़दीक और बनाना गांव के, जो दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग जाफराबाद से 12 किमी दूरी पर स्थित है। यह सौराष्ट्र का क्षेत्र दक्षिण सिर के पास अमरेली जूनागढ़ सीमा के पास स्थित है। यह क्षेत्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दीव की हम बात करें तो इसकी सीमा के करीब है। यह 20 सुनहरी रेत से बना है, वर्जित बीच है। और उसकी तारीफ और की जाए तो यह रेत सीमा की समुद्र गुणवत्ता वाला एक शांत समुद्र तट है। पानी का रंग फिरोजा है और इस तट समुद्र तट की पानी बहुत हल्की धाराओं के साथ बहती है। समुद्र के अंदर कुछ दूरी के लिए उथला है, जो पानी से संबंधित खेल गतिविधियों के लिए बहुत ही प्रवाहकीय है। समुद्र तट की समुद्र की एक बहुत ही आकर्षक पृष्ठभूमि देता है। सरकेश्वर महादेव की और बात करें तो सरकेश्वर महादेव भी समुद्र तट के करीब है। समुद्र तट का निकट का और रेलवे स्टेशन देलवाड़ा है, वो भी 50 किमी के दूर है। अगर और बात करें घूमने की तो यह है दीवार दांडी का फोटो जो जाफराबाद में स्थित है, और अपडेट हो के अब ये बड़ी दीवार दांडी बन चुकी है, वो भी जाफराबाद में ही है। और उसके पास तो ये शिकोतर माता का मंदिर है, और दूसरी एंगल से भी ऐसा फोटो इसको ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद जो टैटू पुल है वहीं से इसकी फ़ोटो क्लिक करें तो ऐसी दिखाई देती है। अगर हम टेटा पुल की बात करें तो आपको ले चलते हैं टेटा पुल में, और ये रहा ये टेटा पुल जो एक कंपनी के सामने तक जाता है समुंदर में। और उसके अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो जाफराबाद एक तटीय शहर है, अधिकांश आबादी मछली पर पकड़ने पर निर्भर करती है। कुछ लोग तट पर ही स्थित सॉल्ट पेन नमक में काम करते हैं, और नर्मदा सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट की एक सहायक कंपनी है पास में स्थित है, जो स्थानीय आबादी को रोजगारी प्रदान करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये समुंदर में बोट जा रही है असल में फिशिंग करने के लिए। इसी तरह बहुत सारी बोट समुंदर में जाती है, और पास में कंपनी है अल्ट्राटेक, वो कंपनी के लिए माल आयात निकाल करने के लिए ऐसी बोट का इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका मेंटेनेंस कंटेनर है। और ये भी आप देख रहे हैं सामने दो टंकी अल्ट्राटेक कंपनी है। ये है ब्रिज, जाफराबाद में एक ब्रिज भी है जो समंदर से खाड़ी निकलती है, उस पर ये आया है ब्रिज। अगर ब्रिज के पास से हमें फिशिंग बोट की तस्वीर देखते हैं तो ऐसे हमको फिशिंग बोट की तस्वीरें दिखाई देती है जो समंदर पर तट पे खड़ी है।
और फिशिंग करने के बाद जब समुंदर में आती है तो उसकी तस्वीर ऐसी होती है। अब हम जाफराबाद में शिक्षण की बात करें, शिक्षा की बात, तो पारेख और मेहता हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और गुजराती माध्यम स्कूल अर्ध सरकारी एंड ट्रस्ट द्वारा संचालित, अधिकांश स्थानीय आबादी को शिक्षा प्रदान करती है। उसकी तस्वीर हम देख सकते हैं, ये है पारेख एंड मेहता हाई स्कूल जाफराबाद। उसके बाद और स्कूल की बात करें तो अल्ट्राटेक सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा संचालित एक अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल है जो स्थानीय आबादी को शिक्षा प्रदान करती है। उसके बाद भी बहुत सारी स्कूल है आसपास के गांव की। तब हम बात करें तो कड़ियारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो जाफराबाद से लगभग 10 किमी दूरी पर गांव है, वहां पे स्थित है। आसपास के गांव के लोगों जैसे कि धोरादरी, बलाना, चित्रासर, घिसपुर आदि छात्रों उच्च शिक्षण के लिए आते हैं और इस स्कूल के छात्र में विज्ञान मेला, खेल कूद, कबड्डी, खो खो जैसी विभिन्न श्रेणियों में जिला और राज्य कक्षा पर भाग लेने के लिए आते हैं। यह है सरकारी अस्पताल जो बहुत पुराना है, अब ये उसमें सुधार करके ये अपडेट हो गया है जो किले में स्थापित है। इसमें इतिहास की बात यहाँ से आपको याद आती है तो हम इतिहास के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो इतिहास में ब्रिटिश राजकाल दौरान जाफराबाद राज सदियों से एक वंश द्वारा शामिल एक रियासत थी और यह साल 1700 के आसपास जंजीरा राज्य के पास संयुक्त था ये जाफराबाद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर कुछ शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।